हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम अपने असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपने पिछले वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज के वीडियो में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो बेसिकली असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाना। ठीक है, लेट से यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए, या फिर चलो ओ ले लो। ठीक है, ओ मैंने एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इसमें मैंने कोई वैल्यू साइन करवा दी, लेट से 20। ठीक है, अब मैंने इसमें 20 साइन कराया, तो इसका मतलब कि क्या है, ये इंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे इसकी डेटा टाइप भी सबसे पहले साइन करवानी पड़ती है, इंट ओ। इसमें मैंने 20 यहाँ पे स्टोर करवा दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैंने 20 इसमें असाइन करवा दिया। ठीक है, 20 इसमें असाइन करवा दिया। तो इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, ऑपरेटर किस ऑपरेटर की हेल्प से मैंने 20 को ओ में स्टोर करवाया है? यहाँ पे इक्वल टू की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है? इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा जो मोस्ट बेसिक है या फिर मोस्ट जो यूज्ड असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल टू। ठीक है, तो इसको हम इक्वल टू नहीं बोलते, इक्वल टू हमारा ये होता है वैसे। ठीक है, जो इक्वल टू हमारा ये होता है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास पांच तरह के हैं। ठीक है, जावा में हमारे पास पांच तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो है हमारे पास ये प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा एक ऑपरेटर है इस। ठीक है जी, और जो सेकेंड है वो है हमारा ऐसे माइनस और इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लाई इक्वल टू। ठीक है, एक है डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, और एक है मॉडुलस इक्वल टू। ठीक है, तो ये पांच ये हो गए। ठीक है, पांच ऑपरेटर ये हो गए, और एक हमारा हो गया ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली जावा में हमारे पास छह असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ अभी कि इनका मतलब क्या होता है। मैं इसको इरेज कर दूँ इनको, तो इनका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लेट से ऐसे लिखूँ, जैसे मेरे पास ए है, ठीक है, ए में मैंने यहाँ पे वन साइन करवा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या जाता हूँ, मैं अगर इसमें टू प्लस कर दूँ, ठीक है, ए में मैं ऐसे ऐसे कर दूँ ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस टू, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए में क्या असाइन हो जाएगा, वन प्लस टू। ठीक है, और ए में यहाँ पे हमारे पास, ए में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को मैं अगर शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूँ, ठीक है, इसी को अगर मैं शॉर्ट हैंड में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा ए प्लस इक्वल टू टू। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि ए में जो वैल्यू है उसमें ही ए प्लस टू हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको ये जो मैंने लिखा है ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, तो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड नोटेशन है। ठीक है, ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए, तो इनको हम बोल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा, अगर हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे यूज करते हैं तो इनको हम बोल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। तो ऐसे हम सभी ऑपरेटर्स को कर सकते हैं, ऐसे ही मैं माइनस को भी कर सकता हूँ, ए माइनस इक्वल टू टू। ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, और मल्टीप्लाई से भी कर सकता हूँ, ए इंटू इक्वल टू टू। ठीक है, ऐसे ही मैं डिवीजन से भी कर सकता हूँ, ए डिवाइडेड इक्वल टू टू, और ऐसे ही मैं मॉड्यूलस से भी कर सकता हूँ, ए मॉड्यूलस इक्वल टू टू। ठीक है जी, तो ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। अब चलिए इनको हम प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नेम रखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट जावा। ठीक है जी, तो यहां पे मैं इसका नाम रखूंगा, फाइल का नेम रखूंगा
असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट जावा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो जाएगी असाइनमेंट ऑपरेटर्स के नाम से। ये देखिए हमारी क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसके अंदर मेन फंक्शन को डिफाइन करूंगा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग क्लास का एक एरे पास करते हैं, ठीक है। आप इस एरे का नेम कुछ और भी रख सकते हो, जरूरी नहीं आपको ARGSE रखना है, आप कुछ और भी इसका जो नेम है वो आप रख सकते हो, ठीक है जी। अब इसके अंदर लेट से मेरे पास एक वेरिएबल है, यहां पे मैं लिखूंगा इंट इंट ए इज इक्वल टू लेट से 30, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 30। अब मैं यहां पे इसको प्रिंट करवाता हूं, मैं आपको दिखाता हूं सिस्टम। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिखूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और अगर मैं इसको ऐसे यहां पे कर दूं ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, ए में क्या चला जाए, ए में यहां पे क्या, अगर मैं ए को यहां पे प्रिंट कराऊं तो ए में यहां पे क्या प्रिंट होगा, 32 प्रिंट होगा, क्योंकि ए में क्या है 30 है, 30 प्लस 2, ठीक है। पहले पहले ये वाली एक्सप्रेशन सॉल्व होगी, ठीक है। 30 प्लस 2 क्या होगा, 32, और 32 किस में असाइन हो जाएगा, ए में। तो ए में यहां पे क्या हमारा प्रिंट होगा, 32। अगर मैं इसको सेव करके यहां पे इसको सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे, तो जावा में प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, यहां पे मैं लिखूंगा जावा सी, उसके बाद लिखूंगा असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर्स, ठीक है, डॉट जावा, जावा सी असाइनमेंट ऑपरेटर्स डॉट जावा। और यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद फिर हम उसको रन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो है ऑपरेटर्स के स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो आप जो क्लास का नेम है वो बिल्कुल ठीक लिखें, ठीक है। आपके जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा जावा जावा असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर्स डॉट जावा, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे हमें जो है वो 32 यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे 32 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसे कर दूं ए इज इक्वल ए प्लस इक्वल टू 2, ठीक है, तब भी ये क्या करेगा, तब भी ये हमें सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है, तब भी ये हमें क्या करेगा, सेम ही रिजल्ट देगा। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगा प्रोग्राम को, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद दोबारा से इसको रन करूंगा तो ये फिर से हमें 32 ही यहाँ पे रिजल्ट देगा, ठीक है जी। तो प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा प्रोग्राम को, ठीक है, और ये हमें 32 ही रिजल्ट देगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो 32 आ चुका है, ठीक है। तो मतलब कि जो ये कंडीशन ये जो है ये सेम है इसके, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस 2, ठीक है, ये दोनों जो हैं वो सेम है, ठीक है जी। ऐसे ही हम यहाँ पे माइनस का भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो ये क्या करेगा, इसका मतलब होगा ये, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। अब ए में से 2 माइनस होके ए में साइन हो जाएगा, तो यहाँ पे ए का जो रिजल्ट है वो 28 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सेव करूंगा, इसको सेव करके इसको दोबारा से कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करूंगा तो अभी हमारा जो ए में जो स्टोर होगा वो होगा 28, ठीक है जी, और हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं जैसे ही इसको प्रोग्राम को रन करूंगा तो यहाँ पे हमें 28 ए में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो है वो 28 यहाँ पे आ चुका है, ठीक है जी। ऐसे ही हम बाकी को भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या करेगा, 30 में अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं मल्टीप्लाई तो इसका जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल होगा,
ठीक है, यहाँ पे अगर मैं तो ये एक्सप्रेशन दोनों सेम ही है। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसको ए में हम असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए में अभी क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। इसको सेव करने के बाद मैं यहाँ पे इसको कंपाइल करूँगा, तो कंपाइल हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारा अभी ए में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 60 प्रिंट हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, ऐसे ही अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो ये क्या करेगा, 30 को 2 से डिवाइड कर देगा। और ए में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर हमारा आता है, 15। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ए में 15 स्टोर करवा देगा। इसको मैंने सबसे पहले कंपाइल किया, अब कंपाइल करने के बाद इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा। तो फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे हमारा कंपाइल हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ए में हमारा यहाँ पे 15 हमें डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 15 हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट ऑपरेटर है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड्यूलस, तो जब हम 30 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा मॉड्यूलस कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 3 करूँगा तो भी हमारा यहाँ पे 0 ही बचेगा। अगर मैं यहाँ पे 4 करूँगा तो हमारा यहाँ पे जो है रिमाइंडर है वो 2 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब कि जब हम ए को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 30 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो ए में असाइन हो रहा है। तो ए में यहाँ पे क्या असाइन हो रहा है, 2, क्योंकि 7 4 28, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचता है हमारा, 2 बचता है। तो ए में क्या असाइन होगा, 2। तो जब मैं इसको यहाँ पे सेव करूंगा, सेव करने के बाद इसको यहाँ से कंपाइल करूंगा तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो कंपाइल हमारा हो चुका है, अब मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो यहाँ पे ए में क्या डिस्प्ले होगा, 2 डिस्प्ले होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 2 आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।